श्रीलंका विमर्श ने 20 साल में पहले इसे कप जीता। भारत को फाइनल में 8 विकेट हराया। अट्टापट्टू अर्षिता की 50। तो क्या फाइनल मैच की पूरी हाईलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रेडियो मंथ तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट हरा दिया। श्रीलंका से कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 और अर्षिता समा विक्रमा ने 69 रन बनाई। दोनों ने 27 रनों की साझेदारी की। 2004 में शुरू हुए वुमेन्स एशिया कप में श्रीलंका पहली बार चैंपियन बना है। टीम इससे पहले 5 बार रनर अप रही। वहीं भारत ने दूसरी बार ही वुमेन्स एशिया कप का फाइनल गंवाया। टीम को इससे पहले 2018 में बांग्लादेश ने हराया था। भारत ने 7 बार वुमेन्स एशिया कप जीता है। दामबुला में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 165 रन बनाई। स्मृति मंधाना ने 50 रन लगाई। जेमिमा रोड्रिक्स ने 29 रन और ऋचा घोष ने 30 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका से कविशा गिद्दिलहारी ने 2 विकेट लिए। जवाब में श्रीलंका ने 19 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। टीम से कविशा दिलहारी ने 30 रन बनाकर नॉट आउट रही। उन्होंने पूजा वस्त्रकार के खिलाफ विनिंग सिक्स लगाया। भारत से दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुई। सो दोस्तों इस प्रकार श्रीलंका ने वुमेन्स एशिया कप का फाइनल जीत लिया है और भारत को 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। सो दोस्तों श्रीलंका की शानदार जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।